साथ में नमस्कार, आप सबका स्वागत करता हूँ आपका अपना ही चैनल एफएस ज्ञान में। जी हाँ, आज हम तरह तरह के क्वेश्चन देखने वाले हैं, पूरा सिलेबस पूर्ण करने वाले हैं। इसमें हर सेक्शन से प्रश्न आपको छुएंगे, तो चलिए प्रश्न मैं पढ़ूँ। उससे पहले चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को टच करना ना भूलिएगा। चलिए, तो यहाँ पर संख्याओं का देखिए दिया गया है, 1362.05 में 5 का स्थानीय मान है, इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है, सौवा है। जी हाँ, तो ध्यान जानते हैं कि स्थानीय मान होता क्या है, कोई भी अंक है उसके स्थान के आधार पर उसका मान तय होता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ 2 को ले लूँ तो 2 यहाँ पर क्या है, इकाई है, क्योंकि ये दशमलव संख्या है ना, तो इकाई 5 को नहीं बोलेंगे। ठीक है, हमारी इकाई क्या हो गई, 2 हो गई, तो यहाँ पर इकाई 2 है ना, तो 2 इकाई मतलब 2 हो गया। 6 दहाई है तो 6 दहाई मतलब क्या हो जाएगा, स्थानीय मान 60 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें पूछा गया है कि 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो यहाँ पर 5 यहाँ पर है, तो ये दशमलव के बाद है ना, मतलब ऐसा कह दूँ कि ये हो जाएगा 0.05, इतना बस लिखूँ ना, तो ये जो भाग है हमारा, ठीक है, तो ये क्या है, हमारा दसवां भाग है बोलेंगे इसको, क्या भाग बोलेंगे, दसवां, और इनको लूँगा 5 को, तो ये कौन सा भाग हो गया, सौवां भाग, कौन सा भाग हो गया, सौवां भाग। जी हाँ, इस तरह से बोला जाता है, लेकिन दशमलव के जब पहले जब इनको क्या स्थानीय मान देखेंगे, तो ये 2 हो गया, ये 60 हो गया, ये 300, 300 मतलब 300, 1000 मतलब एक है, हज़ार के स्थान पर है, तो 1000 हो जाएगा ऐसी। लेकिन दशमलव के बाद को हम इसे ध्यान देना है कि ये दसवां भाग में से शून्य भाग है, 5 जो है सौवा भाग में से 5 है, तो 5 का स्थानीय मान क्या आएगा, हमारा आंसर सैकड़ा की 100, ये भी तो 100 है, सैकड़ा माने 100 होता है, लेकिन ये सौवा भाग है, 100 भाग में से 5 भाग। जी हाँ, तो आंसर क्या रहेगा हमारा, सी ना होके डी रहेगा, उसको आप सर्कल करेंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और आ रहा है जो आपको कमेंट जरूर कीजिएगा, उस क्वेश्चन पर मैं इसे मिटा रहा हूँ। चलिए, प्रश्न आ गया कि 15 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है, कितने सेकंड के बराबर है, ऐसा पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, 6 घंटे के जो सेकंड बनाएंगे उसके बराबर है, 8 घंटे के हैं, 4 घंटे के हैं, 5 घंटे के हैं, प्रश्न समझ गए होंगे। तो इसको बनाने की 2 विधि मैं आपको बताने वाला हूँ, एक तो मैं कॉन्सेप्चुअल बताऊँगा, तो चलिए आप आंसर जान चुके हैं तो इसका वीडियो को बहुत सारे कमेंट मुझे कीजिएगा। ठीक है, और आंसर चलो, और अगर आंसर जानना चाहते हैं तो चलिए बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 15 दिनों में मिनटों की संख्या आप निकाल लीजिए। ठीक है, एक तरीका ये हो गया, तो 15 दिन हो गए, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। ठीक है, इस तरह से इनको जब हल करेंगे ना, तो यहाँ से देखेंगे 15 × 6 = 90 होता है, गुना करने में आसानी होगा, दोनों गुना कर लीजिएगा, 15 × 6 = 90 ये हो गया, और ये शून्य तो पहले से है इसके साथ। ठीक है, इनका गुना आप करेंगे 24 से। ठीक है, तो यहाँ से 24 से जब गुना करेंगे तो 2 0 ऐसे ही आ गया है ना, अब ये हो गया 9 × 4 = 36 है ना, 3 × 9 = 18 × 3 = 21, मतलब इतना मिनट हो गया, कुल कितने मिनट हो गए, 21600 मिनट हो गए, ये कितने सेकंड के बराबर होगा। जी हाँ, तो अब हमें पता करना है, एक ऑप्शन 6 घंटा 8 घंटा घंटे पर दिया है, तो आप बताइएगा कि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, एक घंटे में, जी हाँ, एक घंटा से लिख दो मान लो है ना, तो एक घंटे में क्या होते हैं, 60 मिनट होते हैं। ठीक है, और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड, क्यों 60 सेकंड में जा रहा हूँ, क्योंकि हमें कितने सेकंड होते हैं वो पता करना है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या करेंगे, यहाँ पर एक घंटे में हम लेंगे 60 सेकंड, 60 मिनट की, मान लो ये जो 6 घंटा है, मान लो यही बराबर होता है मान लीजिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको 6 घंटे 6 हो गया, ये वाला 6, ठीक है, ये हो गया, अब एक घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट, और एक मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड, इनको जब गुना करेंगे ना, तो 6 × 6 = 36, 36 × 2 = 16, और 2 0 है तो 2 0, ये दोनों आपस में क्या हो रहा है, मैच हो रहा है, ये सेकंड हो गया हमारा, ये मिनट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर क्या आ गया, 6 घंटा ही हमारे 15 दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर होगा। ठीक है, तो 6 घंटा का जो सेकंड हमने निकाला है वो कितना आया, 21600 सेकंड आया, इसी तरह हमने जो मिनट निकाला 15 दिनों में, मिनटों की संख्या हुआ 21600 मिनट आया, दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, एक ऑप्शन ये रहा। दूसरा तरीका यह है कि हम सूत्र विधि से हल करेंगे। जी हाँ, कैसे सूत्र विधि से हल करेंगे, वो देखिएगा कि मान लो 15 दिन है ना, 15 दिन तो लिखा गया है, 15 दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, और जो एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, मिनट तक रुक जाना हमें, तो 60 मिनट होते हैं, इस तरह से। ठीक है, ये बराबर है किसके बराबर है, कितने सेकंड, मान लो सेकंड, मान लो एक्स बोल देता हूँ, सेकंड क्या है हमारा, एक्स सेकंड है। ठीक है, मतलब यही घंटा हो गया, बोल देंगे ऐसा,
ठीक है, तो घंटे में ऑप्शन इसलिए से घंटा बोलेंगे, तो ये सेकंड ही है लेकिन घंटा के रूप में दिखाना है। तो एक घंटा में 60 मिनट और कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, अब देखिएगा ये जो गुना है इस पर भाग हो जाएगा, तो इसको भाग कर दूं ऐसा 60 गुना 60, समझ रहे होंगे, इधर ये आके इधर भाग बन गया है ना। अब जो यहाँ पर काटेंगे 60 के पार 60 आ जाएगा, ठीक है, 15 के पार 1 बार 15 और 4 बार में 60, 4 के पार 1, 4 एकम 4, 4 छक्का 24, तो 2 विधियाँ हो गई। तो आंसर क्या आ रहा है हमारा, 6 घंटा आ रहा है। उम्मीद है आपका भी आंसर इतना ही आया होगा। चलिए वीडियो लाइक करते जाइएगा, शेयर करते जाइएगा और देखते हैं अगला बेहतरीन क्वेश्चन है हमारा। चलिए प्रश्न है, 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल होगा, ए बी सी डी में से कौन सा आएगा, आप बताइएगा मुझे। और चलिए मिल के बनाने का प्रयास करते हैं। तो 100 के जो गुणनखंड है, कहने का मतलब है कि 100 को मैं किससे गुणा करूँ कि वो 100 आ जाए, ठीक है। तो एक के, और दूसरा कहने का मतलब क्या है कि एक के पहाड़ा में 100 आता है ना, तो एक हमारा गुणनखंड हो गया। जी हाँ, तो इस प्रकार जो हमारा गुणनखंड जो मैं लिख रहा हूँ अब पहाड़ा अगर याद होगा तो बहुत ही आसानी से बनने वाला है, ठीक है। तो पहला गुणनखंड एक हो गया, एक के पहाड़ा में 100 आता है 100 बार में, 2 के पहाड़ा में 50 बार में आता है, 3 के पहाड़ा में 100 नहीं आता है, ठीक है। अंकों को जोड़ लेंगे तो ये 1 0 0 0 और 1 1 आएगा, 3 के पहाड़ा में नहीं आता है ना 1, तो नहीं आएगा 100, क्लियर। 4 के पहाड़ा में 4 25 सम 100 आता है, 5 के पहाड़ा में 5 20 सम 100 आता है, 6 7 8 9 के पहाड़ा में नहीं आता है, 10 के पहाड़ा में 10 दहम 100 आता है, ठीक है। फिर यहाँ से कहाँ पहुँच गए हम, 20 के पहाड़ा में, ठीक है, क्योंकि 11 12 13 14 15 किसी के पहाड़ा में नहीं आता है, 20 के पहाड़ा में आता है, 20 25 100 होता है, क्लियर है। फिर 25 चौक 100 होता है, ठीक है। फिर कहाँ पहुँच गए हम, 50 के पहाड़े में 50 दूनी 100 होता है, फिर 100 एकम 100 होता है, इतना ही, ये सब गुणनखंड है, ठीक है। तो इन एक को मैं किससे गुणा करूंगा, 100 से, तो 100 आएगा। 2 को किससे गुणा करूंगा, 50 से, तो 50 और 100 आएगा। मतलब ये आपस में क्या है, पूरे गुणनखंड हो गए, क्लियर है। कितने गुणनखंड है वो पूछ सकता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गुणनखंड हुए, सबको योग कर दीजिएगा। तो चलो जोड़ते हैं इसको, तो ये 50 और 100 150 ऐसी हो गया, हो गया यहाँ से 150 ऐसी हो गया, दो दो जोड़ते हैं ऐसा, ठीक है। अब यहाँ से जोड़ते हैं, ये 3 हो गया, ये 7 हो, 3 4 7 7 5 12, ठीक है, 12 और ये 30 हो गया, तो 12 और 30 42, और फिर 25 जोड़ते हैं तो 42 और 25, ऐसा आप जल्दी से जोड़ेंगे, तो ये 7 आ गया, यहाँ से 5 और ये 6 11 का 1 आ गया, हासिल आया 1, अभी हो गया 217, है ना आसान ट्रिक। चलिए बढ़ते हैं और ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन की ओर। चलिए प्रश्न बहुत आसान है, यहाँ पर ये शब्दों में लिखा, अंकों में लिखा गया है, उसको पढ़ा जाएगा ए बी सी डी के रूप में, उसमें ऑप्शन को आप सर्कल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, 4 ऑप्शन दे दिया गया, उसमें से कौन सा इसका शाब्दिक रूप होगा, क्लियर है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन को व्यर्थ जाया ना कीजिएगा, समय आपका नाजुक है, क्या करेंगे, जो दिया है उसी को देखो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, क्लियर है। ये हमारा इकाई हो गया, ये दहाई, ये सैकड़ा हो गया, ठीक है, ये हजार हो गया, फल ही देता हूँ, ये 10,000 हो रहा है, शून्य जो है 10,000 है, ठीक है। अब ये हो गया हमारा लाख, तो क्या बात हुआ कि बात ये हुई कि 4 के स्थान 4 जो है कहाँ पर है, लाख के स्थान पर, 4 लाख वाला कौन सा है, ये बी है और ये सी है, 47,000 40,000 लिखा है, तो हमारा फोकस इन दोनों पर ही होगा, ठीक है। पढ़ेंगे कैसे, 4 लाख हो गया, ठीक है, 10,000 मतलब दोनों अंगों को लेना है, तो ये हो गया 7,000, 4,07,000, जी हाँ, किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो दोनों में से 4,04,000 तो आ रहा है, इसमें 79,000 आ रहा है, इसमें 7,000 आ रहा है, तो आंसर कौन सा करेक्ट रहा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर हम जैसे आगे बढ़ेंगे तो 9 सैकड़ा मतलब 9,000, ठीक है, सॉरी 928 यहाँ पर नहीं है वो चीज़, आगे पढ़ेंगे 28 तो सब में आ रहा है, 28 सब में आ रहा है, तो हमें शुरू से अगर पढ़ते जाएँ, पढ़ लिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 4 लाख, 2 अंकों को लेंगे 7,000, 9 सैकड़ा मतलब 928, तो बस ऑप्शन देखेंगे, फट से टिक लगाएंगे, सर्कल करेंगे, आगे बढ़ेंगे, क्लियर है। चलिए और कोई क्वेश्चन आने वाले, सुंदर सुंदर क्वेश्चन आने वाले, देखते हैं। चलिए प्रश्न हमारा है, 500 रुपये का 6 माह का 8% की छमाही दर से साधारण ब्याज होगा, इनमें से क्या आना है करेक्ट, चूँकि साधारण ब्याज का सूत्र जब याद करेंगे तो मूलधन लिखेंगे, ठीक है, गुना दर लिखते हैं, तो दर कितना है 8% है, और समय कितना है 6 महीने का है, मतलब छमाही दर से ही निकालना है, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 6 महीने का ब्याज निकालना है, तो 1 रखेंगे, जी हाँ, और क्या कर देंगे यहाँ से 100 से
भाग कर देंगे। तो ये तो है ना मूलधन, ये दर हो गया, ये समय। तो यहाँ पर समय क्या है हमारा, केवल एक छमाही है। जी हाँ, तो छमाही का इतना रुपया आएगा, क्लियर है। तो यहाँ से शून्य शून्य काट देंगे और ये हो गया हमारा आठ और पाँच गुना होगा तो आठ पंचे चालीस रुपया। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी को आप क्या करेंगे, बॉल पॉइंट पेन से पूरी तरह से सर्कल कर देंगे, गोल लगा देंगे, ठीक है, इसके बाहर नहीं आना है, है ना। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, देख रहे हैं। प्रश्न हमारा है कि एक बस 9:45 प्रजे प्रातः, जी हाँ सुबह 9:45 पर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली। वह अपने गंतव्य से 300 किलोमीटर दूर है, जहाँ उसको पहुँचना है वहाँ की दूरी कितनी है, जहाँ से बस छूट रही है 300 किलोमीटर दूर है, पर कितने बजे पहुँचेगी, ये हमारे ऑप्शन है। इस पर कौन सा करेक्ट होगा, आप जरूर इसका आंसर मुझे कमेंट पर भेजेंगे। जी हाँ, तो चलिए इसका हम आंसर भी पता करना है। तो ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर ये तो सुबह चलने का उसका टाइमिंग है, ये टाइमिंग है 9:45 पर छूट रही वहाँ से, वो स्टेशन बोल दें जहाँ भी जैसे ही बोल दें। तो दूरी कितनी है उसकी, दूरी जो है हमारी एक चीज़ है, ये दूरी है यहाँ पर है 300 किलोमीटर, जहाँ से वहाँ पर बस छूट रही है और जहाँ उसको पहुँचना है गंतव्य में, उसकी जो दूरी कितनी है हमारी 300 किलोमीटर, ठीक है। और दौड़ कैसे रही, गति क्या है उसकी, जो चाल क्या है, वो किस चाल से चल रही है कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब एक घंटे में चल रही वो 80 किलोमीटर, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चल रही है। तो इस दूरी को तय करने में समय लगेगा, कितना समय लगेगा वही हम निकाल लेना तो हमारा उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो समय जो निकालेंगे, क्या करेंगे समय को, तो हमें जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, ठीक है। चाल बराबर क्या होता है, मैं लिख दूँगा यहाँ पर कि चाल बराबर या स्पीड बराबर ऐसा बोल देंगे, तो ये होता है डिस्टेंस दूरी अपॉन टी, मतलब टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मतलब होता है दूरी और टाइम मतलब होता है समय, ठीक है, चाल निकालने के लिए। अब चूंकि समय निकालना है ना, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ लिख दूँ तो समय को आप यहाँ सेट कर देंगे, यहाँ पर कर लेंगे और यहाँ पर स्पीड को यहाँ ला दीजिए, तो समय बराबर क्या होगा हमारा, दूरी बटा यहाँ पर हो जाएगा चाल, इस तरह से स्पीड माने चाल, ठीक, ये हो जाएगा। तो यही हम काम करने वाले हैं, तो ये हो जाएगा हमारा जो समय निकलेगा, वो दूरी कितना है 300 किलोमीटर की और चाल कर रहे हैं 80 किलोमीटर प्रति घंटा की, बटे कर दे दोनों को, बटा कर दीजिए ऐसा, तो यहाँ से काटेंगे ना, तो ये हो जाएगा हमारा, भाग दीजिए इनको, तो तीन यहाँ से हो जाएगा आठ दिया हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, 6 बचेगा, जी हाँ। और यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, 0.60 हो गए ना, तो 8×7=56, जी हाँ, और बचा 4 बचा, वो 40 हो गया, तो 8×5=40, मतलब कितना समय लगा था उसे, तो ये 3 तो पूरा घंटा है, ये 3 घंटा समय और 0.75, तो घंटे का, एक घंटे का जो है आप 3 4 भाग करेंगे तो 15 मिनट ऐसे ही आएगा, 4 बार आएगा ना, तो उसमें से 3 भाग ये बता रहा है, अर्थात क्या बता रहा है कि 3 जो घंटा हो गया हमारा और कितना मिनट, 3 बार 15 मिनट को जोड़ेंगे तो क्या हो गया, और 45 मिनट को बता रहा है, ये जो समय है, ठीक है। तो इस तरह से जब जो क्या है, बस जो है अपने स्टेशन से कितने बजे छूटती है, 9:45 से छूटती है, कितना समय लेती है अपने गंतव्य पहुंचने के लिए, 3 घंटे और 45 मिनट का समय और लेती है, दोनों को जोड़ दीजिएगा, तो घंटा घंटा को जोड़ देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 9 3 हो जाएगा 12 घंटा, ठीक है, 12 बज के ऐसा बोलेंगे, घंटे से घंटा जोड़ेगा 12 बज गया ऐसी, और 45 मिनट कितना होगा हमारा, 1 घंटा 90 होगा, 90 मतलब कितना, 1 घंटा और 30 मिनट। अब 12 और 1 12 घंटा और 11 1 घंटा कितना हो जाएगा, 13 घंटा यहाँ पर लिख देंगे, 13:30। अब जैसे 13 बजे है बोलेंगे तो कितने बजता है, 1 बजता है, तो इस तरह से हमारा ये 1 घंटा 1 बजे मतलब ऐसे लिखेंगे, 1 बजे या 1:30 पर जो है जो बस अपने गंतव्य में पहुंचेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, अच्छी से सर्कल कीजिएगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आ रहा होगा, पसंद आए तो लाइक कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं बेहतरीन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।